पीपल कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड गाइस, टेम्परेचर हो रहा है ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस एंड इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इस टॉपिक पे होगी कि आपकी गाड़ी है उसको बिना एसी के कैसे ठंडा किया जाए, बिकॉज कई गाड़ियाँ ऐसी होती है जिनमें एसी नहीं होता है। सो उस केस में आज मैं आपको ये वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप आपकी गाड़ी को बिना एसी के ठंडा करें। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हमारी गाड़ी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बाहर से ऑलमोस्ट डबल होता है। अगर सपोज़ कीजिए बाहर 40 है तो अंदर आपको 70 से लेके 80 मिल जाएगा, एंड उस केस में अंदर बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप आपकी गाड़ी एकदम ठंडी करें बिना एसी के। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें बताया जाता है कि आप आपका दरवाज़ा पीटें बार बार, मतलब खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, उससे आपकी गाड़ी ठंडी होगी या नहीं होगी ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। बट इतना ज़रूर श्योर है कि जो आपकी गाड़ी का लॉक होगा वो 100% ख़राब होगा, बिकॉज आप एक चीज़ को बार बार खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, तो मशीन ही है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश करें ऐसी सब चीज़ों को इग्नोर करें, बिकॉज ये सब वीडियो में ही ठीक लगता है, इन रियलिटी देखा जाए तो ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। कुछ व्यूज़ पाने के लिए लोग कुछ कुछ वीडियोज़ बना देते हैं। एनीवेज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपकी गाड़ी को ठंडा करें बिना एसी के। और दूसरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पे फॉलो कर ले, ये है मेरा हैंडल, यहाँ पे मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें, उसमें मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल की वीडियोज़ डालता हूँ। सो बिना वेस्ट के वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। यहाँ पे गाड़ी ठंडी करने से मेरा मतलब है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 40 है तो आप अंदर आराम से 35 से लेके 32 से लेके 35 मेंटेन कर सकते हैं, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं आपको बताऊंगा कि दरवाज़ा बार बार पीटें ये सब करें। तो गाइस, अब मैं आपको मेरी ही गाड़ी में बताऊंगा, तो पहले एक बार गाड़ी खोल लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी होगी वो ये करनी होगी आपको कि आपको आपकी गाड़ी में जाना होगा पहले। एंड कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी के सारे शीशे खोल दीजिए और उससे सारी हवा बाहर निकल जाएगी। वो मेथड एकदम ठीक है, मैं बताने वाला भी डिटो वैसा ही मेथड हूँ, बट शीशे जब हम खोलते हैं गाड़ी के तो उससे जो हवा है वो बाहर एकदम नहीं निकल पाती है। तो आपको सिंपली करना इतना होगा कि आपको पहले आपकी गाड़ी ऑन करनी होगी। मैं यहाँ पे एसी एक बार बंद कर देता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे ये मेथड दिखा रहा हूँ आपको कि बिना एसी के कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले करना होगा ये कि एक बार ऑटो पे दबा दीजिए, उसके बाद यहाँ से एसी बंद कर दीजिए। बेशक ऑटो पे नहीं, आपको करना इतना है कि फ़ैन आपको चलाना है फुल स्पीड पे एकदम, और ये जितने भी एसी के वेंट्स हैं इन्हें आपको पीछे की तरफ सेट करना होगा। ये करने के बाद आपको करना ये होगा कि आपको आपकी जो डिक्की है वो खोलनी होगी। एंड बिकॉज वीडियो में नहीं पता चल सकता, बट अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से कितनी ज़्यादा गर्म हवा निकल रही है बाहर। इस चीज़ का मतलब ये है, मेरा मेन मकसद बताने का ये है इस मेथड में, कि जो हवा वहाँ पर है गाड़ी में वो डायरेक्ट पीछे की तरफ आएगी, ना कि इन खिड़कियों से ऐसे निकलेगी। एंड ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ गिन के 4 या 5 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 सेकंड में आपकी गाड़ी को एकदम ठंडा कर देता है। ये कुछ मेथड थे जिससे आप आपकी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं विद इन नो टाइम। और गाइस, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि आप आपकी गाड़ी का जो शीशा है उसे बार बार ऐसे करें, दरवाजे को बार बार लॉक लगाएं और खोलें और लॉक लगाएं और खोलें, उससे जो आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जल्दी मतलब ठंडा होगा अंदर से। उससे मुझे टेम्परेचर का तो पता नहीं, बट इतना ज़रूर श्योर हूँ मैं कि जो लॉक है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा आपकी गाड़ी का, बिकॉज सेम हम बार बार किसी चीज़ को ऐसे करेंगे तो ख़राब होने का मतलब बनता है। मैं साथ में एक एडवांस टिप आपको ये और दूंगा कि आप जब भी आपकी गाड़ी में बैठें तब हमेशा आप एक टॉवल लेके बैठें गीला, ताकि जो आपकी गाड़ी का अगर आप एसी यूज़ करते हैं तो आपका एसी है उसे मॉइस्चर पैदा अंदर करने को मतलब एक हेल्प मिले और जल्दी आपकी गाड़ी ठंडा हो। तो एक हमेशा गीला तौलिया लेके आप बैठें, उससे आपकी गाड़ी में मॉइस्चर होगा अंदर और जो एसी है वो काफ़ी जल्दी ठंडा करेगा। दूसरी चीज़, ये जो मेथड है मैंने ये बताया इसलिए बताया आपको क्योंकि जो आपकी गाड़ी होती है उसका जो हवा होती है वो सीधे आती है हमारे मुँह पर, ना कि टेढ़ा हम उसको जो वेंट्स हैं उनको रखते हैं। तो जो अगर हम शीशे खोलते हैं ये खोलते हैं तो इससे जो हवा है उसको बाहर जाने में बहुत ही ज़्यादा देरी लगेगी। एंड बिकॉज हमने पीछे की डिक्की खोल दी है तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता जो अंदर की गर्म हवा होती है उसे बाहर फेंकने में, यानी कि पीछे फेंकने में। तो इस मेथड से आप आपकी गाड़ी को बहुत ही जल्दी ठंडा कर सकते हैं, और उसके बाद वो आपकी मर्जी, अगर आप एसी चलाना चाहते हैं, आप शीशे खोलना चाहते हैं, आप जिस भी तरीके से और हवा लेना चाहते हैं, बट अंदर का जो टेम्परेचर है उसे आप बाहर के कंपैरेटिवली बहुत ही जल्दी अंदर ठंडा कर सकते हैं।
सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, एंड किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगी बिकॉज मैंने टाइटल ऐसे रखा, बट अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जब हम गाड़ी में बैठते हैं तब हम कभी भी गर्म गाड़ी में नहीं बैठते, हम हमेशा उसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए कम से कम नहीं तो हम 5 या 10 मिनट हम गाड़ी को खोलते हैं। सो ये जो तरीका बताया इसमें मैंने एसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपकी जो गाड़ी के फैन है वो ऑन करने पड़ेंगे, एंड जितनी भी गर्म हवा है वो सारी बाहर चली जाएगी एंड अंदर बिल्कुल भी गर्म हवा नहीं रहेगी। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। थैंक्स।